रामपुर के जिला अस्पताल की तस्वीरें तो आप देख रहे होंगे कि रामपुर का जिला अस्पताल है। इसके अंदर जो खेल चल रहा है, शायद आपको मालूम ना हो कि जिला अस्पताल में खुलेआम रिश्वत का खेल चल रहा है। बगैर पैसों से नहीं मिलती है यहाँ पर दवाई। यह है रामपुर का जिला अस्पताल। कभी अल्ट्रासाउंड के नाम पर पैसे, कभी दवाई के नाम पर पैसे, जबकि ये सरकारी अस्पताल है, फ्री में मिलती है यहाँ पर दवाई। जिला अस्पताल का स्टाफ मरीजों की जेब काटने जैसा काम कर रहा है। ये देखिएगा किस तरीके से डिस्पेंसरी के अंदर रिश्वत का खेल चल रहा है। ये जो शख्स खड़ा है, ये दवाई लेने के लिए खड़ा है, पर्चे के अंदर पैसे रख कर खिड़की में दे रहा है। खिड़की के अंदर जिसको पैसे दे रहा है वह अस्पताल का कर्मी है, जो खुले आम रिश्वत ले रहा है। काय की दवाई बढ़ाओगे? काय के रुए? काय के लिए? काय के लिए मांगे? यही बता रहे थे। कितने पैसे दिए आपने इसको? 35 रुपए। और काहे पैसे दिखाओ? कितने पीछे से इसकी बाइक? कितने पैसे? नाम क्या है तुम्हारा? काय के पैसे ले रहे हो यहाँ पर? ये पैसे काय के लिए है? ऐसे दिखाओ। हाथ काय के पैसे ले रहे हो? किस चीज के पैसे लिए आपने इससे? इससे किस चीज के पैसे लिए? दवाई। काय की दवाई? उसको पैसे बाद में देना। दवाई काय की दवाई? मैं पूछ रही हूँ काय की दवाई के पैसे कैसे, कब से चल रहा है? 15 दिन से मैं तेरी जासूसी कर रही हूँ। 15 दिन से तेरी जासूसी कर रही हूँ और मैंने अभी रंग हाथ पे देखा। क्यों इस चीज के पैसे ले रहा है? इधर देखा। और ये पैसे आपसे ये पैसे दिखाओ। 35 रुपए लिए जो सरकारी दवाई मुफ्त मिलती है, ये पैसे लेके 10 रुपए का तो पर्चा बनाता है, अंदर से बनवाता है। और छुपा क्यों रहा है पैसे? दिखा। 35 रुपए किसी को 100 रुपए ले रहा है, किसी से 200 रुपए ले रहा है, किसी से 50 रुपए ले रहा है। किस चीज के लिए? क्यों ले रहे? यहाँ पर कितनी जॉब है? अस्पताल में खुलेआम रिश्वत पे रिश्वत के आरोप तो लगते चले आए हैं। जब हमारे कैमरे में रिश्वतखोर को कैद कर लिया गया, इसके तो पसीने छूट गए। दरअसल सवाल तो ये है, रिश्वतखोरी का खेल कब से चल रहा है? सूत्रों की यदि माने तो आइसोलेशन वार्ड अल्ट्रासाउंड में भी खुलेआम रिश्वत का खेल चल रहा है। ये अभी मेरे संज्ञान में लाया गया है, इसकी टीम बनाकर हम जांच कराएंगे। अगर कोई इसमें सतर्कता पाई गई तो जो इस तरह के कार्य कर रहा है उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी।